हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 एलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.3। 11.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें कहता है कि आपको कुछ एक्सप्रेशंस बनाने हैं। इसमें आपको कुछ एक्सप्रेशन बनाने हैं जिसमें कोई वेरिएबल तो होना नहीं चाहिए, और जो है आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं वो सिर्फ यही तीन नंबर के होने चाहिए, 5, 7, 8। मतलब 5, 7, 8 का यूज़ कर आपको कुछ एक्सप्रेशन बनाने हैं, और उसमें आप एडिशन, सप्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। तीन ऑपरेशन का यूज़ करके इन तीन नंबर के साथ आप लोग को कुछ एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप चाहे 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 7 को माइनस कर दो, 5 की मल्टीप्लाई करके 8, 7 को प्लस कर दो, या जो भी आपका मन करे, जिस भी तरीके का यूज करके। जैसे मैंने क्या करा, 5 को प्लस कर लिया और 8 into 7 कर लिया। जो भी आपका मन करे आप वो एक्सप्रेशन इसमें बना सकते हैं। बस इसकी कंडीशन ये है कि ये तीन नंबर का ही यूज़ करना है, और सिर्फ तीन ऑपरेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। जैसे मैंने क्या करा, 7 और 5 को माइनस कर दिया और फिर मैंने उसकी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, या फिर 8 को मैंने 5 के साथ माइनस कर दिया और उसकी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो आप लोगों की मर्जी है, आप कैसा भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सिर्फ तीन चीज़ें इनका इसमें यूज़ करना है, एक तो ये तीन नंबर हैं, और आपका इसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको इसमें वो एक्सप्रेशंस देखने हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स आ रहे हों, मतलब कोई वेरिएबल नहीं आ रहा हो। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली, जिसमें सिर्फ नंबर हो। तो आप देखिए, फर्स्ट वाला है y+3। y+3 में तो y वेरिएबल आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 7 into 20 - 8z, इसमें z वेरिएबल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। c वाला देखिए, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन वो हो जाएगा जो विदाउट नंबर, सॉरी ओनली विद नंबर्स है, मतलब विदाउट एनी वेरिएबल है। फिर डी वाला भी सिर्फ 5 है, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा जिसमें सिर्फ नंबर है। 3x, इसमें वेरिएबल आ रहा है तो हम इसको भी नहीं लेंगे। इसमें n वेरिएबल है, इसे भी नहीं लेंगे। इसमें p वेरिएबल है, इसको भी हम नहीं लेंगे। तो उसमें क्वेश्चन में आपको बोला था कि आप वो वेरिएबल बताइए जिसमें, सॉरी वो एक्सप्रेशंस बताइए जिसमें सिर्फ नंबर आ रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोलो और बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है आपको इसमें एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं, ऑपरेशन। इसमें आपको ऑपरेशन आइडेंटिफाई करने की, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो फर्स्ट देखिए, z+1 में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। z-1, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। y+17, इसमें प्लस हो रहा है तो एडिशन, इधर सब्ट्रैक्शन, तो ये हमने फाइंड करा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 17y। 17 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। फिर आपका आता है y/17, इसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, डिवीजन। फाइव इंटू जेड, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। नेक्स्ट है 2y+17। अब यहाँ पे देखिए, एक तो बीच में प्लस का साइन है, तो एक यहाँ पर बीच में एक तो प्लस का साइन है, तो एक तो एडिशन ऑपरेशन हो गया। और देखिए 2y, 2 और y आपस में किस में है, प्लस में है, मल्टीप्लाई में है, तो एक कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वाले में एक तो माइनस हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो गया, और 2y है तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब है 7m, 7 और m के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपका आता है इसमें -7m+3। तो इस क्वेश्चन में आपका एक तो प्लस का हो रहा है,
तो इसलिए एडिशन हो गया, और 7 और m के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक इसमें बीच में माइनस हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप से हमको यहाँ पर ऑपरेशंस फाइंड करने हैं कि ये कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है कि आपको इसमें एक्सप्रेशन बताने हैं। देखिए 7 एडिड टू p, वो बोल रहा है p में 7 को ऐड करो, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, p प्लस 7। नेक्स्ट आपको बोलता है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, अब ये फ्रॉम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, p में से फ्रॉम वाला पहले आता है, p में से 7 को माइनस करो तो एक्सप्रेशन बन जाएगा p माइनस 7। नेक्स्ट आपका कहता है p मल्टीप्लाइड बाय 7, p की 7 से मल्टीप्लाई करो, जब हम किसी भी चीज़ की 7 की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7p, तो इस टाइप से हो गया। नेक्स्ट आपका है p डिवाइडेड बाय 7, p को 7 से डिवाइड करो, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, माइनस m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस m माइनस 7। अब है नेक्स्ट माइनस p मल्टीप्लाइड बाय 5, माइनस p की आपने 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो आ जाएगा माइनस 5p। नेक्स्ट है माइनस पी डिवाइडेड बाय 5, तो माइनस पी क्या 5 से डिवाइड कर दोगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको सिर्फ एक्सप्रेशन बनाने हैं। जैसे एक्सप्रेशन आपका है 11 एडिड टू 2m, 2m में 11 को ऐड करो तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 2m प्लस 11। नेक्स्ट है 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m में से 11 को सब्ट्रैक्ट करो तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 2m माइनस 11, तो इस टाइप से बनाना है। अब c वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बोल रहा है 5 टाइम्स y, बच्चे जहाँ टाइम्स लिखा रहेगा वहाँ हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 टाइम्स y मतलब 5y। फिर बोल रहा है 3 इज एडेड, उसमें 3 को ऐड कर दो तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 5y प्लस 3, तो इस टाइप से आपने ये करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स भी यहाँ पे हैं। y इज मल्टीप्लाइड बाय 8, पहले y को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो एंड देन 5 इज एडेड, और 5 को ऐड कर दो तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस 8y प्लस 5। उसके बाद आपको बोलता है y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, वो बोल रहा है y को 5 से मल्टीप्लाई करो तो हमने y और 5 की मल्टीप्लाई कर दी एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, अब फ्रॉम फिर आ गया तो 16 में से उसको माइनस करो तो ये बनेगा 16y माइनस 5y। अब नेक्स्ट है 6h वाला है, y इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, पहले माइनस 5 की y से मल्टीप्लाई करी और फिर उसमें 16 ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपको t और 4 का यूज़ कर और ऑपरेशंस का यूज़ करके इसमें कुछ भी ऑपरेशन बना देना है, कुछ भी एक्सप्रेशंस बना देना है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे प्लस लगा लो, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, तो जैसे t प्लस 4, t माइनस 4, 4 इंटू टी, तो आप कुछ भी एक्सप्रेशंस इसमें बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। थैंक यू।